नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष। आज यानी कि 11 दिसंबर को बापू वाटिका के समक्ष ये छात्र लगातार पीटी परीक्षा परिणाम आने के बाद आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान ही ये छात्र पिछले दिनों यानी कि अगर बात की जाए कल की, तो ये छात्र शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर, इन 5 सदस्यीय टीम राज्यपाल से मुलाकात करने गई थी। मुलाकात के सामने अगर बात की जाए तो कई सबूतों को इन्होंने उनके समक्ष रखा था। राज्यपाल ने इन्हें भरोसा भी दिलाया था और उसके एक ही दिन बाद यानी कि 24 घंटे के बाद आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में उन्होंने 49 कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई कर दिया है। वो छात्र जो कि लगातार परीक्षा केंद्र पर जो रोल नंबर वाइज लगातार पास किए थे लोहरदगा ज़िले के, उन छात्रों का जो 49 कैंडिडेट का रद्द कर दिया गया है। इस पर इन छात्रों ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कहकशा कमाल लगातार आंदोलन में रही हैं। जी कहकशा, आप बताएं कि द न्यूज पोस्ट ने पिछले के अल्टरनेटिव डेज वन डे बिफोर 9 दिसंबर को लोहरदगा केंद्र की ही प्रिया पांडे का वहीं पे एक्सपोज किया था। हालांकि प्रिया पांडे को नहीं जानकारी थी कि वो पास हैं, आयोग उन्हें पास कर दी थी, प्रिया पांडे फेल थी, लेकिन हमने इस खबर को उसके सामने स्पष्ट किया। आप लोग राज्यपाल के पास गईं, सारी बातों को रखा, उसके बाद आज यानी कि 12 दिसंबर को ये आयोग नोटिस जारी करती है कि इतने कैंडिडेट का रद्द किया जाता है, ये डिसक्वालीफाई हो गए। तो क्या ये आप लोग राज्यपाल से मिलकर आए उसके बाद ये आयोग की नींद खुली? हमको तो लगता है कि यही हुआ होगा, क्योंकि जब हमने कल गवर्नर से बात की तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और बहुत ज़्यादा हमें ये लगा कि वो हमारी बात सुनने के मूड में हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के की ख्वाहिश रखते हैं। तो हो सकता है उनकी पहल का यह नतीजा हो, लेकिन जो भी नतीजा है वो हमें अमान्य है। अमान्य क्यों है? इसलिए कि आप देखिए कि इन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि 49 कैंडिडेट्स को वो डिसक्वालीफाई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक ओएमआर शीट उनका नहीं था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मानवीय भूल भी बताते हैं। जी, तो यहाँ पे तो जो भी चीज़ें वो कंप्यूटराइजेशन है, कंप्यूटराइज्ड है, इसमें मानवीय भूल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और एक ओएमआर शीट नहीं होने का मतलब आप ये समझिए कि आप 57 को जो आप अंदर लेके आ रहे हैं तो 57 बाहर भी तो हो रहा है, तो वहां पे नेचुरल जस्टिस कहां गया आपका? वेयर इज द कैनन ऑफ, दे यूज सच फैंसी वर्ड्स, नेचुरल कैनन ऑफ नेचुरल जस्टिस, दीज आर फैंसी वर्ड्स, दीज आर नॉट ट्रू ऑन द ग्राउंड। तो हम तो यही समझेंगे कि ये सिर्फ ये फिलोसफिकल बातें यूज करते हैं, फिलोसफिकल वर्ड्स यूज करते हैं कि स्टूडेंट्स को गुमराह कर सके, बरगला सके, या स्टूडेंट्स जो है वो हिम्मत ही नहीं दिखा सके क्योंकि वो ये पढ़ के ही लगे कि हो सकता है यही हुआ हो या जो भी हो। बट पढ़ने के बाद मुझे तो यही समझ में आया है कि दीज आर जस्ट मियर वर्ड्स जिसमें आप फंस के रह जाइए और आप आगे बढ़िए ही नहीं, आप समझिए कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। बट जब मैंने इसे पढ़ा और गहराई से समझा तो मुझे तो यही समझ में आता है कि कैनन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर एक का भी सिलेक्शन गलती से हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ वॉयलेशन ऑफ जस्टिस। आपने जस्टिस को ताक पर रख दिया किसी एक गलत सिलेक्शन से भी। यहाँ पे 57 लोगों का नाम आ रहा है, उसमें आप बताते हैं कि इतनी चूंकि अनुपस्थित थे। हाँ, अनुपस्थित भी थे, बाकी 49 वो डिस्क्वालीफाई हो गए, बाकी 8 अनुपस्थित थे। पास कैसे हुए? वो पास कैसे हो गए? तो अनुपस्थिति के उसमें दौरान भी आप पास कर देते हैं, फिर आप बताते हैं कि ओएमआर शीट नहीं मिल रहा, फिर भी पास हो जाते हैं वो लोग। तो इस तरह से जब डिस्क्रिपेंसी साफ साफ जब दिख रही है, हाउ विल वी नो दैट यू हैव फॉलोड द कैनन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? ये हमें कैसे पता चलेगा आपने नेचुरल जस्टिस फॉलो किया है? आपके इस रिजल्ट में इतनी डिस्क्रिपेंसी है, विच इटसेल्फ शोज दैट यू आर इन अनजस्ट। आपने इनजस्टिस आपने की है, तो अगर इनजस्टिस की है तो इसकी भरपाई भी आप ही करेंगे। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू कैंसिल द रिजल्ट। देखिए, बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब मैंने इनको बोला कि 148 नंबर वाला कैसे पास कर गया, जब आपने जनरल का कट ऑफ 260 रखा था, तो 128 नंबर एसटी कैसे पास कर गया जब वह मैंने रोल नंबर समेत वह पब्लिश कर दिया। अब उन लोगों को ये नोटिस भेज करके, धमकी दे करके, अभी तो सारी चीजें नोटिस करके वो अपना वेबसाइट पर डालते हैं, तो उन लोगों को भी नोटिस करके पब्लिकली बुलाना चाहिए था, पर्सनली बुलाया और बुला करके उन लोगों को बोलते हैं कि इसमें लिखो
कि कदाचार मुक्त परीक्षा हमारे सेंटर में हुई थी, तो कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ तो बच्चा बताएगा कि जेपीएससी बताएगा कि कदाचार मुक्त हुआ था कि नहीं हुआ था? ये धमकी दिया जा रहा है, जो हमको रोल नंबर दिए उसको इन्होंने फेल कर दिया। कारण पूछे तो बोलते हैं कि इसका ओएमआर मेरे पास में दोनों ओएमआर नहीं पहुंचा। मेरा प्रश्न है कि तो ओएमआर गया कहां? और ये ओएमआर गायब हुआ तो क्या आपने मीडिया को बताया कि हमारे यहां से इतने ओएमआर गायब हैं? आप कभी ये बोले कि तो चलो हम एक ही विषय पर अब हम वह रिजल्ट निकालेंगे? क्योंकि अगर यदि एक भी आदमी, अब हम इलेक्शन में 15 आदमी खड़ा है, एक आदमी भी अगर यदि मर जाता पूरा इलेक्शन बंद होता है ना, तो अगर यदि जितने लोगों का ओएमआर नहीं मिल रहा था तो अपने ओएमआर को खोजते, तब तक खोजते जब तक कि आपको वो मिल नहीं जाता। क्योंकि अगर यदि आप जो जो जिसका नहीं मिल रहा था उसका पुनः परीक्षा लिए रहते। आप जो है सो आप हम लोग आंदोलन किए तब बोल रहे हैं कि उसका ओएमआर नहीं था। अगर आंदोलन नहीं करते तो उसका बेड़ा पार कर लेते आप। तो ये चीज जो हम लोग जो जो बोलते हैं वो उसको सुधारते हैं, ये वाला गलत है चलो इसको सुधार देते हैं, कम वाला पास है चलो इसको फेल कर देते हैं। तो ये नौटंकी हो रहा है। ऐसा कभी हुआ यूपीएससी का बात करते हैं, यूपीएससी में ऐसा किया है कि पास करता है उसको फेल कर देंगे? उसका पता चला है क्या वो यूपीएससी कभी बोला या बीपीएससी किसका ओएमआर नहीं आया इसीलिए इसको पास कर दिए? हम लोग का महामहिम महोदय से मिलने के दूसरे ही दिन बाद जेपीएससी में खलबली मचते हुए आयोग के वेबसाइट में एक नोटिस आया है, उसी कारण से हम लोग अचानक प्रेस वार्ता बुलाए। इसमें तमाम प्रेस से आए हुए सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। चूँकि इसमें 57 ऐसे छात्रों को, 5 छात्रों को अचानक बाहर कर दिया गया और उसमें से 49 छात्रों का कट ऑफ से कम नंबर लाने का कारण बताया गया है और उसमें से 8 स्टूडेंट का तो कुछ भी कारण नहीं बताया कि क्यों बाहर किया गया। तो इस ये सबसे बड़ी सवाल है कि यह जेपीएससी में क्या नाटक चल रहा है। 1 नवंबर को रिजल्ट आता है और कह रहे हैं कि 1 नवंबर तक हमारे पास ही तमाम छात्रों का ओएमआर सीट नहीं आता है। फिर इसी नोटिस में कहते हैं कि लगभग जो है कि 335,521 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 359,327 एडमिट कार्ड जारी किए थे जिसमें 249,650 छात्रों ने परीक्षा में बैठा था और जिसमें से सभी छात्रों का 2-2 ओएमआर करके लगभग 500,000 ओएमआर हमने जांच किया। सबसे बड़ी सवाल है कि अगर आपने 500,000 ओएमआर जांच किए होते तो 49 स्टूडेंट कट ऑफ से कम नंबर लाने वालों का पास कैसे कर दिए? और दूसरी बात, 8 स्टूडेंट को कैसे बाहर किए ये क्यों कारण नहीं बता रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि 1 नवंबर से हम जांच कर रहे हैं, अगर 1 नवंबर से आप जांच किए होते तो इसका नोटिस कहाँ है? ये कमेटी में कौन कौन थे? क्या आयोग के वही लोग जांच किए हैं जो गलती किए हैं? अगर वही लोग जांच चोर ही अगर चोरी करने वाला अगर जांच करेगा तो यहाँ पुलिस प्रशासन क्यों है? सब पुलिस प्रशासन को बंद कर देना चाहिए। जो चोरी कर रहा है उसी को कहिए कि चोर आप लोग कैसे चोरी किए कि नहीं चोरी किए आप ही बताइए। स्वतंत्र कमेटी से जांच होना चाहिए। इसीलिए इतना गड़बड़ पे गड़बड़ कर रहा है जेपीएससी कि अब इसको जो है कि सीधे तौर पर अब रद्द कर देना चाहिए। जब से ये पीटी परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे उसके बाद से ये इन छात्रों के द्वारा लगातार, आज 41वां दिन है, 12 दिसंबर को 41वां दिन इनका कंप्लीट हुआ है, ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे कि आयोग कट ऑफ जारी करे। इसी दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज भी की गई और ये मुहिम इतना तेज हो चुका कि इन छात्रों को राज्यपाल से, यानी कि 11 दिसंबर को 5 सदस्यीय टीम राज्यपाल से मिलती है और सारा सबूत को पेश करती है। द न्यूज़ पोस्ट की टीम भी यही दावा करती है कि आपसे 10 दिसंबर को द न्यूज़ पोस्ट की टीम आयोग के बाहर लोहरदगा जिले की उसी परीक्षा केंद्र की छात्रा प्रिया पांडे का खुलासा किया था और ये सबसे पहले खबर द न्यूज़ पोस्ट ने दिखाया था। खुलासा यह किया था कि प्रिया पांडे फेल थी, जब उसने चेक किया था तो वो फेल थी, जो वो कार्बन कॉपी था उसमें प्रिया पांडे फेल थी, लेकिन आयोग ने जो क्रमवार रिजल्ट निकाले थे उसमें प्रिया पांडे का रोल नंबर था, प्रिया पांडे पास थी। और उस रिपोर्ट के एक दिन बाद ही ये छात्र राज्यपाल के पास जाते हैं। राज्यपाल के पास से जैसे ही लौटे उसके 24 घंटे के बाद आयोग के द्वारा यह नोटिस जारी की गई कि ये सभी 47 छात्रों को डिसक्वालीफाई किया जा रहा है और उसमें 8 या 9 जो कि टोटल
57 होते हैं उसमें इन ये जो अनुपस्थित थे परीक्षा केंद्र में वो शामिल भी नहीं थे, उन्हें भी पास कर दिया गया था। इन छात्रों के द्वारा यह आरोप लगातार लगाया जाता रहा है कि आयोग के पास ओएमआर शीट नहीं है। तो क्या सबूत है कि जो पास किए हुए छात्र हैं उन सभी के पास ओएमआर सबूत है? हालांकि आप देख सकते किस तरीके से ये बैनर लगातार 41 दिन से ये बापू वाटिका में ही ये बैनर के तले ये इस जो टीम है पूरी लगातार ये आंदोलन की, और इस आंदोलन के बाद ये आंदोलन का यह स्वरूप रहा कि आयोग भी लगातार जस्टिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी करते रही। और आपको बता दें कि अध्यक्ष भी कुछ दिनों पहले ही राज्यपाल ने उन्हें तलब किया था, वो भी मिले थे। ये छात्र भी पिछले दिनों जब राज्यपाल से मिलकर आए तो बाहर में अपनी हंसी और खुशी को ही जाहिर किया और कहा कि यही मेरा जवाब है कि हम लोग जीत रहे हैं। बहरहाल विवादों से जेपीएससी का गहरा नाता और पुराना नाता रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि ये जो विवादों का गहराई है और नाता और रिश्ता है ये कब तक जेपीएससी का टूटता है। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज पोस्ट, रांची।